ये कसाई, ऊपर से है भाई भाई। डिनिंग रूम के सोफे और डाइनिंग टेबल। आई उमेर का बेड भी ना दीमक खा गई। अम्मा ये ताई अम्मा, ये वाला सोफा कैसा रहेगा? नीलूफर, ईद की जारी कितनी बनी? पहले दिन की 12, दूसरे दिन की 16 और तीसरे दिन की पूरी 20। ताई अम्मा, पहले दिन से दिहाड़ियाँ कम होनी चाहिए, ये बढ़ क्यों रही है? मेरी लाल मेरी पीली, तुझे कैसे समझाऊं भाई? चांद रात तक तो जनावर दिखाने के भी पैसे ले लेते हैं मंडी वाले। ये कुल मिला के 50 दिहाड़ियाँ। नीलोफर, ये तो बहुत पैसे हो गए। 5,000 के हिसाब से पूरा 2,50,000। अम्मा, मेरा ना ड्रेसिंग टेबल भी ऐड कर ली। लो, पहले वो चीजें तो आ जाने दे। अच्छा ठीक है, मैं ना इस वाले को फोन करती हूँ, सामान ज्यादा है, अपना ड्रेसिंग टेबल ना डिस्काउंट में मांग लूंगी इनसे। एक बात सुन लो दोनों, जान की बाजी लगा देना वो डेरी जिसके ऊपर सारी दिहाड़ियाँ लिखी हैं, विदर से विदर नहीं होने देंगे। वो कुशन भी लिख ले, वो तो बिल्कुल चुरमुर हो गए। कुशन भी लिख डाल। ताई अम्मा, लगे हाथ फ्रिज भी मंगवा लेते हैं, ये वाला ना करंट मारता है। ए, फ्रिज खोले बंद करे कौन? राजू ना, वो तो खुद बरकी तो बनाई से चलता है। भाई एक दफा सब गिन लो, क्या क्या हमने ऑर्डर करना है। कुशन, बेड, खाने वाली टेबल, सोफे, बस ना। और मेरा ड्रेसिंग टेबल भी। वो तो डिस्काउंट में आएगा ना। अम्मा बस कर दो ना, कसाई अब्बा है और हरकतें तुम कर रही हो कसाईयों वाली। अब ये शीशा आ जाएगा ना, ये शीशे के सामने खड़ी रहेगी। एक ऑर्डर तो लगा। अच्छा अच्छा, फोन करते हैं। जी मालिक, आपके बाप का नौकर हाजिर है, बोलें। यार तू आते साथ खड़ा हो जाते सर पे, आ जा बैठ जा। जल्दी में हूँ, जा रहा हूँ। ओए तेज काम, रुक जा। सीजन आने वाला है अपना। जी। हर साल की तरह मैं, तू और दानी फेफड़ा पप्पा और चाचू के साथ जाएंगे। जी। क्या जी लगाई हुई है तूने यार? जी जी इसलिए लगाई हुई है कि कोई काम की बात कर ले उमेर भाई, ये काम तो पिछले 20 साल से होता चला आ रहा है। जी, और पिछले 20 साल से हर दफा ईद पे आधे दिन के बाद आप इंतकाल करने वाले हो जाते हैं, तो आपको आगाह कर रहा हूँ कि आपकी सेहत ठीक रहे। हो गया आपका? नहीं, इंटरवल हुआ है अभी। तो ये फिल्म कहीं बाद में देख लें, क्योंकि बहुत बोर है और मुझे बहुत काम है। क्यों ना मैं और तू पार्टनरशिप कर ले। पार्टनरशिप? कैसी पार्टनरशिप? या देख, चाचू और पापा अपना जाएंगे, मैं और तू अपना जाएंगे। अरे वाह वाह, काम आता है आपको। याद तुझे आता है ना राजू? मेरा शक ठीक निकला, क्योंकि आप तो वहां बैठ के सिर्फ रोटियां तोड़ेंगे और पूरा काम मुझे करना होगा, इसलिए अपनी पार्टनरशिप अपने पास रखें। इतनी बड़ी जबान है उमेर भाई की, और दिमाग तो शायद जाया ही कर दिया बचपन में खेलते हुए। अब कौन आ गया टाइम जाया करने? आ रहा हूं भाई, आ रहा हूं। घंटी पे हाथ रख लेते हैं, हटाते नहीं। कौन है भाई? अबे, अरे ये क्या सीन है भाई? अबे मर गए। अरे खुदा के वास्ते अमित साहब, जिंदा हैं आप लोग? अबे ये जीना भी जीना। अरे हुआ क्या है आप लोगों को? अबे हम स्टाफ पे खड़े थे। हाँ। पूरी ड्राइवर आगे चढ़ गई, वो जो ड्राइवर था ना, वो आंखों में पट्टी बांध के मुजाहरा कर रहा था। अबे बड़ा खून बहा है भाई, अबे बकरे का लगवा ले भाई, छोटे हैं। अब करना क्या है? अबे क्या करना है, ख्याल कर, अंदर लेके चल मुर्दार। ख्याल मैं नहीं रखना है, अब कोई चारा भी नहीं है और। अबे तू तो ऐसे बातें कर रहा है जैसे अपनी गर्लफ्रेंड से बातें कर रहे हैं। अरे आप लोगों के ख्याल रखने का पूछ रहा हूँ, उठा थोड़ी सकता हूँ आप लोगों को। अबे तुझे तो अल्लाह उठाएगा, हमारी फिक्र छोड़, अंदर लेके चल। या अल्लाह, काजू पे ये वक्त भी आना था कि जिंदा लाशों को अंदर ले जाना पड़ेगा। ठीक बोल रहे हो, मुझे फिर बताऊंगा लाश क्या होती है। अरे जिंदा भी बोले हमीद साहब, सुन लिया करें। अबे चल बे गोल चिमनी के चल। हाय 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 हाय, अल्लाह 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 अल्लाह, भाई गो, ये क्या हो गया? तेरी ख्वाहिश पूरी हो गई। हाय अल्लाह, हमीद जी आपको क्या हो गया? अरे इनका एक्सीडेंट हुआ है। तो चुप बे, तुझसे पूछा है क्या? आप लोग बताए ना ये क्या हो गया। दुकान से निकले, चौक पे पहुँचे, सिग्नल पे रुके, फिर पीछे वाला नहीं रुका। क्यों? भाभी को नंबर दे दे, ड्राइवर से खुद ही पूछ लेगी। अबे अकल की मोटी, समझ में नहीं आ तुझे,
पूरी वैगन चढ़ा दी इसने हमारे ऊपर। अरे इतनी मरम पट्टी कहाँ से हुई है, एम्बुलेंस कहाँ से आई? मेरी जेब में थी। अबे अस्पताल से आई और कहाँ से आई? इन लोगों ना एसी वाले कमरे में नहीं चले। ओ बाबूजी पागल हो गई क्या? अब ठंड में लकड़ी बन जाएंगे हम लोग, जिस हमको गर्म रहने दे हमारे। ऐसे करो किचन में ले जाए इनको। अब जहन्नम में भेज दे तू हमें। अबे छोटे इसके साथ तूने इतना अरसा गुजारा कैसे? है ना राजू, अंदर जा जल्दी से, यखनी बना ले गर्दन के गोश्त की हालत तो देख। नमक जरा हल्का रखियो अपने जैसा। अब तू मनुष्य मुंह देख रही है, देख वो कह रही है अपने मियां के लिए गर्दन के गोश्त की यखनी। अब तुझसे इतना नहीं हो रहा कि दूध में हल्दी डाल के दे दे, पिटकरी डाल के दे दे, दफा यहां से। यार राजू अभी सभा आई थी यार, वो अजीब सी बात करके चली गई। सभा रोजाना अजीब बातें करती है, आज क्या नया कह दिया उसने? अभी आई है मुझे कहती है कि उमेर तुमने जहेज नहीं लेना। अजीब बात, मैं लूं या ना लूं मुझे समझ नहीं आ रही। लो या ना लो उमेर भाई, या तो आपके बाप के पैसे लगेंगे या फिर उनके बाप के। यार वैसे कह वो ठीक रही थी, जहेज है तो एक लानत। फिर तो ले लें उमेर भाई। बदतमीजी। अरे जहेज की बात कर रहा हूँ। कह के गई है कि मैंने कुछ ड्रेसिंग टेबल मंगाया मैंने। ओ शादी के शौकीन, तुम्हारे बाप और चाचू को मौत का फरिश्ता गेट पे छोड़ के गया है। शुक्र है लेने नहीं आ गया। यार उमेर भाई, या तो आप पठान है या सरदार है, उन दोनों का एक्सीडेंट हुआ है। क्या बकवास, ये तुम ना मजाक में जो बकवास करते हैं, मैं तुझे आज कत्ल कर दूंगा। मेरी छुरी किधर है? उमेर भाई मैंने यखनी बनानी है, प्लीज जाएं आप। मैं मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा। ये बात अगर तुम्हारी झूठ हुई ना, ये तुम्हारी टेंट करके ना मेरे साइड से मेघ लगेगा तू। ओ हथौड़े, मैंने यखनी बनानी है उनके लिए। तुम्हारा बाप और चाचू 18 पीसों में बाहर लाउंज में बैठे हुए हैं। 18 पीस? यार फिर तो ना गेंडे की यखनी बना दे तू। आपकी बना दूं? मैं ना जुगत का जवाब तुम्हें कल दूंगा। पीछे चाचू पापा। या तो मैं कानों से बहरा हो जाऊंगा या फौत हो जाऊंगा मैं। अबे रशीद, हमारी झाड़ियों को तो लग गया लहसुन का तड़का। अबे शुक्र कर जान बच गई हमारी। अब ये वैगन वाले ने नहीं मारा तो महंगाई मार देगी, अगर हमने जानवर हलाल नहीं किए तो। चाचू पापा, ये क्या हो गया? अबे आजा बेटा आजा, देख ले, देख हमने जानवर काटने थे ना ईद पे, किस्मत ने मोड़ काट दिया हमारा। तो आपने सीट बेल्ट नहीं पहनी होगी ना? अबे मोटरसाइकिल पे सीट बेल्ट तेरा बाप पहनता है क्या? है इस तरह की बातें मत करियो, तेरा खून पी जाऊंगा ठीक हो। एक्सीडेंट के बाद अब ड्रैकुला होंगे, खून पी जाऊंगा। अपनी हालत देखो, अपने डॉक्टर को बुलाऊं? अरे क्या पागल हो गए, डॉक्टर ने पट्टियां तो की भी, अब तो कह रहे सिर्फ रेस्ट करो बस। साल में एक दफा आती है बड़ी, यार इतना बड़ा सीजन आप लोग छोड़ देंगे? इतनी सारी बुकिंग हुई हुई है, उसका क्या करना है चाचू पापा? अबे तो तू किस काम का, तू जाएगा? मैं नहीं जाऊंगा। नहीं अबे तेरे साथ दानी और राजू भी जाएंगे। आप ऐसा करें राजू और दानी पेपर को भेजें, मैं नहीं जा रहा। अब बात सुन, तू क्या समझ रहे है कि ईद के दिन तेरा बाप और मैं सड़कों पे क्या ऐसे घूमेंगे भीख मांगने के लिए? चाचू मुझे सिर्फ छुरी चलानी आती है और नहीं आता कुछ। छुरी चलानी है को गुलाल नहीं चलानी बस। राजू दानी। नीलूफर अब करना क्या है? गले में ढोल डाल के महल्ले में निकल जाते हैं। रोजे तो खत्म हो गए। इस मसले का कोई हल तो निकालना पड़ेगा ना, सोचते हैं पहुंचे। ऐसा करते जब सामान आएगा ना, ये देंगे हमारा तो है नहीं, पता नहीं किसी ने गलत पता बता दिया होगा। वेरी गुड, हमने पिज्जा ऑर्डर किया है ना, गलत एड्रेस पे भेज दिया भाई, 2 मिनट डिलीवरी लेट थी। अरे भाई कबर में हाथ डाल के वो सही पता निकाल लेंगे, 2.5 लाख का सामान है। तब करना क्या है? अम्मा ताई अम्मा, लो आप लोग यहाँ खड़े हो। देख सब आप बिल्कुल कोई जोगतबाजी नहीं करना, मेरा मूड नहीं है। अब हम लोग ना जीला वतन होने वाले, तैयारी कर ले। क्यों, ऐसा क्यों होने वाला है? वो जो सहनशाहों की तरह हमने सामान ऑर्डर किया है ना, उसके पैसे कहाँ से देंगे? हाय मुझे पता था कि आप दोनों की इसी बात पे हालत खराब हो रही होगी, लेकिन आप लोगों ने घबराना नहीं है, क्योंकि तब्दीली आई नहीं आ गई है। जिस लड़की को आप नकारा फिल्मी और बेकार समझते थे ना, उसी की वजह से आज आप लोगों का सामान बच जाएगा। आइडिया क्या है लंतर नाकस, आइडिया बताओ। और डायरी कहाँ? पहले आइडिया तो बता दे। राजू दानी और मेरा उमेर। उमेर सिर्फ मेरा है, ज्यादा माँ बनने की कोशिश ना कर। ओहो ताई अम्मा, ये तीनों लड़के जाएंगे दिहाड़ियों पे। कुछ होगा तो नहीं ना, सब खैर होगी ना? अरे अम्मा ईद वाले दिन देगों के नाई भी कसाई बन जाते हैं, फिक्र ना करे सब हो जाएगा, बस मुझे डायरी दे। ये ले डायरी।
और अब्बा का और ताया अब्बा का फोन भी दे दे। हाँ हाँ दे दूंगी, मैं दे दूंगी। उस पे आएंगे ऑर्डर, हम कमाएंगे पैसे और हमारा आएगा फर्नीचर। वाह आइडिया तो बड़ा बढ़िया है। और एक खदशा है, रसीद एंड कंपनी रही हमेशा लास्ट में, कि अपने बाप की तरह निखट्टू निकल आया तो। ये अल्लाह ना करे कैसी बातें कर रही हो है। ताईजान अब देखना हमारा पूरा घर नए फर्नीचर से भर जाएगा और मेरा ड्रेसिंग टेबल भी आ जाएगा ना अम्मा। इतने सारे पैसे। दानी बेटे ये आप एक साइड से उस वक्त से तेज किए जा रहे हैं, ये दूसरी साइड पे आपने शीशे परांदे लगाने। राजू टोके भी तेज कर यार, पता लगे सुबह जाके हम लोग वहाँ पे हड्डियों का कचरा कर रहे हो। यहाँ दिमाग का कचरा मत करो, रमीज राजा की कमेंट्री बंद करो और हाथ बटाओ। ओए यार राजू आपने कभी कोच को ग्राउंड में खेलते देखा? आप कोच है? नहीं बल्कि आप फ्लाइंग कोच हैं, और वो भी टूटे शीशों वाली जो पीछे से काला धुआं मारती है। वाह 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 राजू बेटे वाह, आपको तो स्टेज ड्रामों में होना चाहिए, इतनी झुकते करते हैं आप। तनख्वाह चाहिए कि नहीं? भाई भाई मुझे चाहिए। ओ पिछले 23 साल से काम करो तनख्वाह नहीं मिली, तूने तनख्वाह का पूछ रहे तेरी गर्दन उतार दूंगा मैं। अरे काम के टाइम पे तनख्वाह की बातें नहीं किया करो तुम, और ये सर से ना अंगूरों की बेल उतार के काम करो। ऊंट जिबा करना है, पता है ऊंट कैसे होता है? जिबा ही होता है यार राजू बेटे, उसको गला दबा के थोड़ी मारते हैं। जिबा कैसे होता है? अरे वरना ऊंट ना दो लत्ती मारेगा तेरे सीने पे और ये सांस बंद हो जाएगी तुम्हारी। सारी कैलकुलेशन करके रखी है तुम्हारे भाई ने। अरे अपने कैप्टन को हल्का लिया है तुमने यार। रस्सियां हैं हमारे पास? नहीं लास्टिक से बांधेंगे हम ऊंट की टांगे। यार बेवकूफ आदमी जाहिर रस्सी है यार, इसने अपने कैप्टन को कितना हल्का लिया है यार। यार उमेर भाई मैं आपका एतबार कर रहा हूँ और पता नहीं क्यों कर रहा हूँ, खुदा का वास्ते सरफराज की तरह ना धोखा मत दे देना। अरे अपनी गेम का चैंपियन है तेरा भाई। मुझे चाय मिलेगी भाई? हाँ बिल्कुल। हाँ क्यों नहीं मिलेगी, बाप का नौकर जो हाजिर है, चाय भी पिलाऊंगा साथ में सीख कबाब खाएगा। छुरियां तेज कर। नहीं मिलेगी चाय बेटे। ए भाई कुछ सेल्फी तो ले लो यार मेरी। क्या मजे की यकनी है, ऐसी टिकोर हो रही गले में, क्या बताऊं। हाँ भाई छोटे टकोर महसूस हो रही है तुझे? अबे पहले ये गीजर पी ले रहा, अबे अपने लिए बना के लाई है, मेरे लिए? वो तो मैं ये चीख कर रही थी कि गर्म है कि ठंडा। पांचवा घूट लेके पता नहीं चला तुझे ठंडा या गर्म, कैसी हो रही है यार। अपना नीलो जानू मैं, नीलोफर उमेर गया दिहाड़ी पे। अबे रशीद मैं आज तो सबसे पहले सोनू साहब का ऊंट था। हाँ हाँ तुम्हारा सिपा सालार चला गया दिहाड़ी पे। और राजू और वो दानी जो है वो फेफड़ा। अबे उसी के साथ हो गया ना, उन्हें तेरे लंडे से होता क्या है, कुछ भी नहीं। जरा सी मेहनत कर ले, जरा सी मेहनत कर ले, मेरा लौंडा हीरा है। हाँ बस थोड़ा तराशने की जरूरत है। हमीद भाई जबान पे चोट नहीं लगी? गहरी चोटें हैं, थोड़ा थम लो। एक बात बता, आज तुझे बड़ा प्यार आ रहा है अपने बेटे पे है? तुम भी थोड़ा काम कर लेते शायद तुम पे भी आ जाता कभी। ये तो काम तमाम ही हो गया देख लो। बात सुनी, एक फोन करके तो देखे सब खैरियत है कि नहीं। हाँ नहीं होगी खैरियत तो तू चली जाना वहाँ पे, बैल पे चढ़ के बैठ जाइयो, सांस नहीं आएगा उसका। अबे ठीक होगा सारा कुछ है? जी जी चल जल्दी पिला। नीलो सामान आने वाला है, टेंशन ना ले, सीधी आने वाले हैं, टेंशन नहीं। सुनो भाई रशीद को बता दिया था सामान? क्या है तुमने तो हमीद भाई को नहीं बताया? ये तो हिम्मत ही नहीं हुई भाई। अब किस चीज की हिम्मत भाई? वो आप लोगों को ऐसे देखने की हिम्मत नहीं हुई, आप सो जाए ना। अब क्या हुआ मगर? नीलोफर बेगम मैंने बड़ा अजीब और गरीब ख्वाब देखा है भाई। हाय खुद को देख लिया हो आपने? ये तो ना करो भैया तुम, पता ही क्या देखा, हमारे घर में डाकू घुसा है। अबे बात सुन बे, वो निकात खोरे आदमी मनुष्य तो हो लेकिन बात तो मनुष्य ना कर। अबे कंटिन्यू रहने देना इसको, बात बता क्या वो सारी दिहाड़ी के पैसे लेकर अब चक्कर हो गए वो। अम्मी जी आपने तो ख्वाब नहीं देखा? अबे कोई फर्ज है कि ये ख्वाब देखेगा तो मैं भी देखूंगा, जोड़वा थोड़ी पैदा हुआ था। पर तुझे किस बात की घबराहट हो रही है, पसीने छूट रहे हैं?
पसीने घबराहट नहीं नहीं मुझे तो कुछ भी नहीं हो रहा। गर्मी हो रही है ना, गर्मी लग रही है गर्मी। अबे काहे की गर्मी, हम भी तो बैठे हुए यहाँ पे, सच सच बता दे क्या चल रहा है, बहुत तकलीफ है। ये कौन आ गया? सामान आ गया, सामान। कौन सा सामान? घर का सामान। कौन सा सामान? यही बिस्तर, बिस्तर, अलमारियाँ, खाने की टेबल वगैरह 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 वगैरह। अबे पूरा फर्नीचर है, तेरा बाप लेके आया था यहाँ। ये बताओ पैसे कहाँ से आए? वो ईद की दिहाड़ी। अब दिहाड़ी तुमने यहाँ लगा दी? इसका मतलब ये हुआ कि मेरा ख्वाब सच्चा हो गया। घर का ही सामान है, ऑर्डर भी मंगवाया है। अच्छा तो मुझे थोड़ा ठीक होने दे। हाँ। मैं तुझे खरा दिए को दूंगा और बोलूंगा नया करके दे दे मुझे। हाँ। है? है? ये लड़ाइयां तो चलती रहेंगी। चलो राहिला सामान देख कर आते हैं। अबे अबे रशीद, अबे सारी दिहाड़ी लगा दी वहाँ पे। अबे सारी दिहाड़ी लगा दी, अब हम क्या खाएंगे? वो चुड़िया खाएंगे क्या? हाँ। बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह। कौन हो जो अंदर चले आए हो? दयार जी, मेरा नाम दयार। वजह? थोड़ा महंगा हूँ ना इसलिए। सामान कहाँ है मेरा? सामान बाहर ट्रक में। पैसे किधर है मेरे? आ रही आ रही। मजे जो आ रहे हैं, पैसे पैसे होते हैं जो जेब में होते हैं। ए चाइना की चौखट, बेटा आ रहा है मेरा, ला के देगा पैसे तुम्हें। बैंक से, एटीएम से। हेलो उमेर, पैसे ले। हाँ क्यों रही है? दरवाजा खोल दूं क्या? हो क्या? खोल ये। अरे अरे अरे, हाँ ये लो। अरे 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 लो। अरे अरे अरे, मन मन लगता मेरा दामाद ना थक गया, मैं पानी लेकर आती हूँ। लगता है भाई किसी ने आपके दामाद को तबीयत से सूता भाई। बिल्कुल ठीक पहचाना है टेढ़े एंटी ने। अरे राजू ये तू है? तेरा मुंह गन्ने की मशीन में दे दिया क्या किसी ने? मम्मी भागो। मैं क्यों भागूं? मैंने कोई गंदी बात तो नहीं की, मेरा अपना घर है। मतलब पैसे हैं? हालों पे टक लगा रहा था मैं, मम्मी गलती से लग रहा था, मैं जानबूझ के नहीं कुछ कर दिया, गड़बड़ कर दी इसने। सोमरो साहब के बड़े अब्बा ने इसको डांटा और इसने टोका उठा के उनकी टांग पे मार के उनकी टांग तोड़ दी। अरे मम्मी गुस्से में पैसा टोका यार, मुझे क्या पता था कि बड़े सोमरो साहब की टांग नीचे आराम कर रही है। टांग कट गई? मतलब पैसे नहीं है? अबे ये कौन है कमेटियां खाने वाली मशीन, कौन है तू? वो तो जब पुलिस आएगी ना फिर पता चलेगा कौन हूँ मैं। एक तरफ सोमरो साहब का पूरा खानदान और एक तरफ ये पुलिस। मेरे जहन में ना सिर्फ एक ही अच्छा काम आ रहा है। भागो! अबे क्या आजकल के अखबार वाले भी ऐसे हो गए खुदा। अबे ऐसी फोटो तो लगाओ कम से कम बंदा देखे उसका दिल खुश जाएगा। काम पर जा रहा है, कहाँ रही? राइदा! अबे ओ राइदा! जी जी अम्मी जी। मेरे कपड़े इस्त्री कर दिए? जी कर दिए, ला दूँ? नहीं एक काम कर, अच्छे तरीके से उसको तय करके ना अपने जहेज वाले बक्से में रख के ताला लगा दे। उसमें तो कीमती चीजें रखते हैं अमित जी। वो बक्सा तो खाली होगा फिर? नहीं नहीं, उसमें ना रेशम की चादर है, मेरी दो सोने की चेन है, अंगूठी है और ना अम्मा का पानदान भी है। अबे अम्मा का पानदान? अबे उससे महंगा तो बिजली का बिल है भाई, उसे भी लेमिनेट करा और रखवा ले ट्रक की स्टपनी, बम के गोले। अमित जी आप ना बहुत बातें सुनाते हैं मुझे, कपड़े ला दो आपके। नहीं मैं तो वोट मांग रहा हूँ। अबे लेके आ गए जी। अच्छा अच्छा ला रही ला रही। अरे क्या नीलोफर की तरह तू तफ्तीश कर रहे हैं मेरे साथ? अच्छा तो पप्पा थे जिनकी उंगली को आराम नहीं था, इतनी घंटियां पप्पा। अबे इतनी गर्मी है कि अगर राजू ना ना आता तो मैं तो नान बन जाता, नान वो भी टीलो वाले। वैसे तो आप बड़े समझदार हैं ना। अबे स्पाइटर होगा तेरा बाप, तेरा पूरा खानदान स्पाइटर है। सॉरी पापा, नहीं हो आप समझदारा भाई। बहुत अच्छी, आप लोगों के लिए ना तालियां होनी चाहिए। किन्नू माल्टे ले आओ, बड़ा मजा आ रहा होगा आप लोगों को इस गर्मी में। वैसे पापा ये इतनी अर्ली मॉर्निंग गए कहाँ थे आप? आंटी पार गया था। अबे जिंदगी में और भी काम होते, तेरी तरह का बैठ के रोटियां तोड़ रहा होता ना
तो बस हो जाता काम। बात कर रहे हैं दाल में कुछ काला। जिस दिन छुट्टी नहीं होती उस दिन तो नीलो जी आपको धक्के मार के घर से बाहर निकालते हैं, पर आज छुट्टी वाले दिन खुद ब खुद सुबह सुबह, मतलब कैसे यार? बाहर राजू आप तो बिल्कुल एकदम तैयार टीचर लग रहे हैं। पापा पुलिस में बात करा के ना इसकी भर्ती करा दो। या अल्लाह मियां इन दोनों की जगह ना कुछ और पैदा कर देता। हमने कभी अल्लाह मियां को बोला या अल्लाह राजू की जगह चिड़िया बना देता। पापा ये आप जहाँ गए हो ना मुझे शक पड़ रहा है कि आप ना नई मम्मी ढूंढने गए हो मेरे लिए, ना नई मम्मी ढूंढने गए हो ना। अभी मम्मी को पता चला ना मार मार के आपकी भुजिया बना देंगे वो। यार मम्मी मैंने आपको बोला था ना ये चाचू को इतना टाइम नहीं दो, अब देख लो कच्ची बस्ती में ना पक्की छत डाल के बैठ गए वो लोग। मैं तो कहता हूँ उनको जल्दी से यहाँ से कटाओ और सभा को अपनी बहू बना के ले आओ। मेरे रब मेरे शौहर को और मेरे बच्चे को एक सू तकल ज्यादा दे देता बस मैं लड्डू बांटती। और इसको जो है ना आधी इंच जबान और मिल जाती ना। ए क्या है? अरे मैं तो मजाक कर रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा था कि इस जबान से भी आधी दुनिया तो फतेह कर ही लोगी। और पापा ये सुबह सुबह किधर तफरी हो रही है? कुछ नहीं मेरा जरा मॉर्निंग वॉक पे गया था। मॉर्निंग वॉक तीसरी जमात में फेल शख्स। अभी बात सुन बे, और तेरी माँ का जो हस्बैंड है ना वो जाहिल है जाहिल। आपकी बात कर रही है मम्मी। वैसे मम्मी ये पापा की जो मॉर्निंग वॉक है ना ये किसी दिन नाइट में जॉगिंग ना कराते आपकी जरा ख्याल से। अबे तू घर में शोपीस की तरह पड़ा रहता है ना, और वो शोपीस जिसके ऊपर गर्द और मट्टी जमा होती है, समझ आई तुझे? अरे मम्मी वो देखो वो नंबर भी ले आए पापा। अबे मनु से किसी बंदे ने दिया है मुझे? बंदे ने या बंदी ने? देख बिल्ला जादूगर। आपकी हर मुश्किल का हल निकालने वाला एक ही जादूगर। अपनी जायज और नाजायज हाजात पूरी करवाएं। अब तक हजारों लोग मुस्तफीद हो चुके हैं, आप किस इंतजार में हैं? उसके हजारों क्लाइंट हैं, क्यों ना हम भी जादूगर बन जाएं? ए रसीद कुरैसी तुम जादूगर नहीं बन सकते, तुम सिर्फ भूत बन सकते हो। आ गया वॉशरूम जा। अरे मम्मी आईडिया आ गया यार। अबे तो भोंक ना। बात सुने, ये बात हम तीनों के फायदे की बात है। हम ऐसा करते हैं, हम जाते हैं जादूगर के पास और उसको बोलते हैं कि हमारे जो चाचू हैं उसको यहाँ से घर से कटा दे, और सिर्फ चाचू और चाची को, हाँ सभा को नहीं, सभा को नहीं। कैसा निकू मकाशा अब हम जादूगर बन जाएंगे। बिल्ला भाई बताओ ना आप क्या करना है? आपसे फोन पे बात हुई थी, बताया तो था आपको, बोलो। हाँ 1.5 लाख रुपया लगेगा, 1.5 लाख घर खाली कराने का, और 4 किलो गोश्त हर 3 दिन बाद जब तक काम नहीं हो जाता। 1.5 लाख रुपए ये थोड़े ज्यादा नहीं है? और ये आपके बालों को देख के आपके मोकल नहीं डरते आपसे? ये मेरा नहीं, मेरे जिन्नात का रेट है। ये जो 4 किलो गोश्त है इसका क्या दुमपख बनाओगे? दुमपख तंबाक, मजाक मत उड़ा। तुम्हारा मुंह मजाइया में क्या करूं बाबा? तेरे भाई पे हुआ जादू तुझ पे हो जाएगा। नहीं पापा मजाक कर रहे हैं, पापा मजाक है, पापा के मुंह में खा, छोड़ो आप मेरी बात सुनो यार, 1.5 लाख तक थोड़े से ज्यादा है पापा जी, तो आप ना हमारा काम 50,000 में कर दो, 20,000 आपको एडवांस दे देंगे बाकी काम होने के बाद। बाबा जी मान जाइए 50,000 से ज्यादा जो है ना मेरी जेब जो है खाने की इजाजत नहीं देती है, बड़ी गर्मी हो रही है और मेरे छोटे छोटे बच्चे भी है। पापा बस हम रेलवे स्टेशन मांगने नहीं आए। इतने में तो सिर्फ चाइना का जिन आ सकता है। हाँ तो मंगवा लो भाई चाइना का जिन, भाई 3 बैटरियां मंगाना क्योंकि बैटरी जरा कमजोर होगी। ठीक है हो गई हमारी डील डन। जमाना क्या कहेगा तुम्हारी इन अदाओं का, जमाना भी है दीवाना, जमाना क्या कहेगा। भूख लग रही है, ये ब्रेड कहाँ है, कहाँ रखा है? ये भूख भी ना जब दिल चाहता लग जाती है। ये राजू का बच्चा चीजें ऐसे छुपा के रखता है जैसे उसका जाती किचन हो। ये हाल हो गया है मेरा, सूखी रोटी और वो भी चाय के साथ।
किससे करूं अपने दिल की बातें, किसको सुनाऊं अपना दुखड़ा, कहां हो मेरे सरताज, मेरी किस्मत, हाय रे मेरे सरताज। राहों पे छाई है नजरें बिछाए, जन्म जन्म की प्यास बुझाए, कोई आए। राजू वो मैंने भूत देखा अभी। ना अपने बाप को ना ऐसे नहीं कहते, माना कि नॉर्मल इंसानों से उनका मुंह बहुत बड़ा है, मगर ऐसे नहीं कहते। राजू मैंने असल में भूत देखा है किचन में, यकीन नहीं आता तो जाकर देख लो, उसके तो पांव भी उल्टे थे, जाओ। पहली बात ही गलत, चुड़ैलों के पांव उल्टे होते, जिनों के पांव कब से उल्टे होने लगे? नहीं यकीन करो मैं सच कह रही हूँ, मैंने भूत देखा है। अपने फ्री टाइम में भी ना मैं फ्री नहीं हूँ, देखता हूँ एक मिनट। काश मेरा वहम हो, मुझे तो बहुत डर लगता है भूत से। कहीं हो ही ना भूत भाई। मैंने फिल्मों में देखा ये दरवाजे के पीछे होता है। अरे नहीं है भूत, ऐसे कैसे, हम ही डर रहे। मेरा अपना पांव लगा है, अपना पांव लगा है मेरा, पागल कर दिए इन लोगों ने मुझे। अरे 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 सबा बाजी, आप ऐसे ही डर रही हैं? वो अंदर बैठा सब्जी काट रहा है। अच्छा? हाँ काट रहा है। अरे सब्जी काट रहा है, और ऐसी वैसी इतनी अच्छी सब्जी काट रहा है, ऐसे करके टमाटर उठाता है, यूं किया उसने और उसके चार टुकड़े कर दिए, चारों के चारों खुद ब खुद सालन में डल गए। खुद ब खुद डल जाते, मजाक कर रहे हो ना तुम, झूठ बोल रहे हो ना? जी हाँ सबा बाजी, खुदा का वास्ता पहली भूत इस घर में इतने ज्यादा है और भूतों की गुंजाइश नहीं है। आप मुझे ये बताएं, ये इतनी रात गए आप किचन में क्या कर रही थी? भूख लग रही थी राजू। तो खाओ और निकलो। सबा बाजी अपने छोटे से प्यारे से दिमाग में ना जोर मत डालिए, ये रात को ना डरावनी फिल्में नहीं देखा करते। लेकिन राजू नहीं, शब बखैर राजू। अबे राजू मैं काम आ गया, पानी चला दे यार, पानी नहीं आ रहा कुछ खाने में। बा आप क्यों चला रहे, राजू सोने चला गया होगा। अबे ये ऐसे नहीं सोता जब तक चार से गाने ना सुन ले, समझ गई? पर तू किस मर्ज की दवा, जाके मोटर चला गया। अबा इतनी रात को मैं नहीं जाती पीछे, आप खुद जाके चला ले मोटर। वैसे भी ना मैंने अभी भूत देखा है किचन में। भूत? अबे क्या हो गया, दिमाग खराब हो गया तेरा, कहाँ से आ गया भूत यहाँ पे हमारे यहाँ? अच्छा पता नहीं, फिर शायद मेरा वहम होगा। तो चल जा अपना काम कर। सर भूत कोई काम नहीं है, वो उल्टी सीधी बातें करा दूँ। अबे मैं खुद जाके कर लेता हूँ। अबे किसी काम के नहीं, अल्लाह पाक की कसम ये लोग। अबे मोटर चलाने में मौत आ रही होती है क्या? अबे आप क्या करने आए, मैं चला लूँ। अल्लाह मेरी माँ, अबे बहुत चीज क्या हो गया यार? अरे पानी नहीं आ रहा, मैं मोटर चलाने जा रहा था, ऊपर से आप डंपर की तरह भागते हुए आ रहे हैं। जिन देखे ना वहाँ पे, जिन देखे मैंने। अरे कहाँ पे? वहाँ पे पीछे की तरफ चला गया भाग के। अरे वहाँ पे तो इंसान मुश्किल से आता, जिन कहाँ से आएगा? अबे आ गया भाई जिन, वहाँ पे जा। चल आगे देख, आप दिखाएं मुझे। चल आगे, तू आगे, मैं आगे नहीं जा रहा। अबे आगे चल, खुद आगे। अरे मैं नहीं जा रहा, मैं दिखा दूंगी मैं। अरे हमीद साहब आप जाना आगे। अबे तू चल के दे, आगे किधर? थोड़ा सा आगे चल दे। अरे अरे कुछ नहीं है हमीद साहब, खुदा का वास्ता कोई डरावनी फिल्म देखी होगी आपने या ख्वाब देखा होगा। यार चुप करके जाके सो जाए। यार ये बाप और बेटी दोनों मुझे पागल कर देंगे। कहाँ आ गया हूं मैं, या अल्लाह मियां किन पागलों के हाँ मुलाजिम बना दिया आपने। खाने में कम मिर्ची डालो तब भी पागल हो जाते हैं, ज्यादा डालो तब भी पागल हो जाते हैं। अम्मा ठीक कहती, ये गैस ना कभी कभी दिमाग पे चढ़ जाती है।
लेकिन ऐसी चढ़ जाती है ये मैंने नहीं देखी। जिन आगे भूत आगे, यानी क्या हो गया? तो ये क्या हो रहा है राजू? तनख्वाह का इंतजार। यार ये हर वक्त तनख्वाह तनख्वाह है, कितनी तेरी तनख्वाह बता ही दे तू। शुरू से लेके ना आखिर तक पूरी तनख्वाह। चल फिर रहने दे। मुझे बता के सफा किधर है? मेरी जेब में, अंदर होगी, मुझे क्या पता। यार ये तेरी लल्लो को ज्यादा तेज नहीं होगी? मैंने खींच के लाई, दरख के साथ बांध लिए। बहुत हो गया उमेर भाई। वैसे उमेर भाई ना दो दिन से ना सबा और हमीद साहब कुछ खिसके हुए लग रहे हैं। राजू बजा दूंगा जरा बाजू, मतलब बाजा, और ये मेरी सबा के बारे में ना जरा हैंडल विद केयर से बात किया करो। उमेर भाई मैं सिर्फ इतना कह रहा था कि ये दोनों ना दो दिन से ना कुछ अजीब सी बातें कर रहे हैं। कभी कहते हैं भूत दिखाई दे रहे, कभी कहते हैं जिन, और जब मैं खुद जाके देखता हूँ तो कुछ भी नजर नहीं आता। उमेर भाई आपको कुछ दिखाई दिया? नहीं नहीं नहीं, भूत मैंने देखा ही नहीं कभी। भूत मुझे क्या पता कैसा होता है भूत। अम्मा सिर्फ मैंने ही नहीं, अब्बा ने भी ना भूत देखा है पिछली मोटर वाली जगह पे। अरे मेरे को तो शुरू से इस घर में गड़बड़ लगती थी। अबे कोई रहे ना रहे यहाँ पे, मैं जा रहा हूँ बस। कैसी बातें कर रहे हैं अम्मी जी, आप कोई 10 साल के बच्चे हैं क्या? अबे इंसान होता ना कोई तो उसकी तो ऐसी तैसी फेर देता, मैं खुदा पाक की कसम। अब ये जिन बड़े जालिम होते भाई, मैंने फैसले किया मैं इस घर में एक रात नहीं रुकूंगा, तू सामान उठाओ निकल जल्दी। अरे ऐसी कैसे कर सकते हैं, ये आपका अपना घर है, बचपन से आप यहाँ रह रहे, अब तो आपको आदत हो जानी चाहिए ना। अबे तो अब समझ क्यों नहीं रही बात को? अबे बड़ा जालिम गिनता था मेरे सामने खड़ा होता, काले कपड़ों में तो ये लंबे लंबे बाल, अबे उसने सुरमा भी नहीं करी आया था। हाँ अम्मा मैंने भी देखा, अब्बा सही कह रहे हैं, मैं तो एक रात नहीं रुक सकती यहाँ पे, नहीं रुक सकती, नहीं रुक सकती। अब्बा चलो सामान चल निकल तू छोड़। अरे क्या हो गया आप दोनों को? अम्मा भूत आ गया, भूत इस घर में, भूत तो नहीं आ गया? यार मम्मी 20,000 जो खर्चे है ना, अब उनकी वसूली का टाइम आने वाला है। ये बात आपको पता है, राजू बता रहा था कि चाचू यहाँ से भागने की कर रहे हैं। आई मेरे लल्लू तेरे मुंह में गुड़ शक्कर, वो दिन दूर नहीं है जिस दिन ये मच्छर मच्छर की तरह भागेगा यहाँ से। मम्मी इधर से चाचू भागेंगे और इधर से सबा को मैं दुल्हन बना के घर में ले। इस सीरीज से भूत उड़ा ले दूल्हा बनने का, समझा? ये जो दिमाग चल रहा है ना चाचू को यहाँ से कटाने में, ये सोच छबिया कैसे छापेगा। सब हो जाएगा मम्मी, सब हो जाएगा। आपको पता है रोटी ना ठंडी करके खानी चाहिए। अच्छा गरम खाओगी ना तो मुंह जल जाएगा आपका। माँ को सिखा रही है, नीलो बेगम को सिखाएगा। अब इस घर का नया मालिक होगा। शट अप, मालकिन होंगी नीलो बेगम, माइंड इट। मम्मी अभी आप ना लाइन में बहुत पीछे हो, और वैसे भी इस घर का बहुत बड़ा हिस्सा मेरा है। जा मेरे लाल जा, जी ले अपनी जिंदगी मेरे लल्लू, दी तुझे छत बख्शी नीलो बेगम। मम्मी आप लेडी तो, आप जेंट्स होती ना फिर बताता आपको मैं। ए शुक्र अदा कर, पूरी छत दे रही हूँ, 2 छत्ती के भी लायक नहीं है तू। यार लायक तो वैसे मैं बचपन से ही नहीं हूँ, दिल ही नहीं लगा कभी पढ़ाई में। ये तो है, पैसे भी मेरे लाल तू पढ़ लिख के क्या पट लेता, अपने बाप का पैसा ही दिया करता। ऐसी भी बात नहीं है मम्मी। प्यारा लग रहा है मेरा बच्चा, चला हाथ दिखा। नहीं नहीं आप मारोगी मम्मी। नहीं तेरी किस्मत देखूंगी। पक्की बात है? पक्की। ये लो यार, प्रॉमिस किया था आपने। बाप की तरह जब तक झांसा ना तो काबू में ही नहीं आता। बिछी मरी बिछी में पड़े फुआ तेरा मेरा नीति का। सभा कहाँ रह गई? चल सामान निकाल के जल्दी निकले। अमित जी अमित जी अमित जी अमित जी। अबे क्या हुआ, तू क्यों चीख रही है? अभी अभी भूत भूत यहाँ यहाँ भूत देखा क्या? तुम्हारी चीखों की आवाज क्यों थी? यहाँ हमारे घर भूत आ रहा है, भूत भूत भूत। अरे ये ले भूत। यार राजू पीछे खड़ा हो, ये काट भी लेते होते हैं। अबे ये मैंने सुना था जिन भूत जो है ना रस्सियों में नहीं आ जाते, ये कहां से पकड़ के ले आया तू कैसे? भूत 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 भूत। अरे आप लोग क्यों चीख रहे हो? ये आ रही है भूत है भूत है। अरे चुप करो सबके सब। बात सुन भाई, मेरे सिपा सलार राजू कहां से पकड़ के लाया? अरे हमीद साहब इसको तो मैंने 2 दिन पहले अपने ऊपर चादर डाल के दीवार पे टापते हुए देखा। अरे ये लोगों को जिन बन के डराता है ये। बिल्ले तू? ओ बिल्ले तुम? ओ तू जानता है इसे? नहीं।
नहीं आपसे तो किसी ने पूछा भी नहीं। मेरे अब्बू जी बनने की कोशिश ना कर। राजू मैं मेरी छुरियां और ले आज खून बहादूंगा मैं इसका। अरे नहीं साहब मुझे कुछ नहीं कहो, मुझे तो इन लोगों ने कहा था। साले बिल्ले, अभी मैं तुझे बिल्ले से ना कुत्ता बनाता हूँ। सारे पैसे ले लिए और जेल एकली भेजा इतने पापा। 20,000 रुपए मुझसे लिए और मेरा गोश भी खा गया कच्चा कच्चा। अरे नहीं साहब जितने पैसे आपने दिए थे उतने में तो जिन का वन वे टिकट ही आना था, इसलिए मैं खुद ही आ गया। ए फ्रॉडियर सही में ऐसी की तैसी। अबे मैं तेरी बनाऊंगा तिल्ली। अब तो सुन लिया तो जब बनाएगा बनाएगा, पहले तो मैं तेरी बनाऊंगा। कसाई ऊपर से है भाई भाई।